आगामी 1 अक्टूबर को जो हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पे दो राजनीतिक दलों के बीच में था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हराओ और कांग्रेस को जिताओ के नाम पर वोट डाले, मोदी हराओ के नाम पर किसान ने, एससी कम्युनिटी ने, माइनॉरिटी ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। परंतु स्थानीय विधानसभा के चुनाव जो हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के हैं, इसमें आपको निश्चित तौर पे बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा भविष्य में भी होता रहा है। मैंने अब तक 36 विधानसभा क्षेत्रों के इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लगातार जारी है, रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको चलते हुए मैं कह सकता हूं कि इसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी के साथ भविष्य में कोई समझौते? नहीं, बीजेपी के साथ कोई समझौते की बात नहीं। आज आपके समक्ष मेरे से पूर्व सूबेदार जी ने बताया कि नॉन स्टॉप हरियाणा की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजाना बड़े बड़े विज्ञापन छपवा करके, रोजाना बड़ी बड़ी जनसभाओं में करते हुए घूम रहे हैं और झूठे लॉलीपॉप देने की बात करते हैं, पिछली सरकार के अपने फैसलों पर रोजाना यू टर्न करते हैं, ये लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जबकि बुनियादी स्तर पर इस तरह के कोई काम नहीं है। 90 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी है, कब तक पहली सूची जारी हो रही? बहुत जल्दी 28 तारीख को हमने इसके सिलसिले में मीटिंग बुलाई है और उसमें बैठ करके निर्णय करेंगे। ये चुनावी प्रक्रिया में होता रहता है। आज कांग्रेस में एक एक सीट पर 50-50, 60-60 दावेदार दावे कर रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगे? आप देखना, आप वहाँ से दल बदल का सिलसिला शुरू होगा, सिस्टम है, चुनाव के दौरान होता है। आने वाले 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश की सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जनसंपर्क के कार्यक्रम चले हुए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज नांगल चौधरी हल्के के कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आप देख रहे हैं, आज ये पहला हमारा कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनियाड़ी गांव में। जिस तरीके से लोगों ने पलक पावड़े बिछा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है, जिस तरीके से लोगों ने एक चलपान के कार्यक्रम को एक जनसभा का रूप दे दिया है, तो इससे तो मैं ये कह सकता हूँ और आप भी सोच सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी प्रदेश की चाबी लेके जाएगी और चंडीगढ़ विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही खुलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हम सब लोगों को एक छोटे से जलपान के कार्यक्रम में बुलाने के बाद इसको एक जनसभा का रूप दे दिया। तो मैं तो आप सब गांव वालों को ये कहता हूँ कि जिस दिन आप हमको एक जनसभा के लिए बुलाते हो तो यहाँ एक बड़ी बहुत बड़ी रैली आप करके देते, और आप सब लोगों का जो जोश और उत्साह और आज आप सब लोगों की जो यहाँ पे उपस्थिति आई है, इससे मैं विश्वास ले सकता हूँ। और डॉक्टर महिलाओं को दिलाने का काम राशन डिपो में हमने किया, जननायक जनता पार्टी ने किया, संभव की हो पाया क्योंकि भाई दुष्यंत चौटाला राज में था, आपकी सुनने वाला था। 14 फसलें MSP पे खरीदने का काम हो पाया।